नवीन महवा मंडी में आलू 1100 रुपए व प्याज 1500 रुपए कुंतल तक बिक रहा है, जिसके संबंध में नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के विक्रेताओं ने बताया कि मंडी में आलू 900 से लेकर 1100 रुपए तक बिक रहा है और प्याज 900 रुपए से लेकर 1500 रुपए कुंतल तक बिक रहा है। उन्होंने कहा, गर्मी की वजह से बिक्री बहुत स्लो हो रही है, लेकिन आवक भरपूर है। अभी दाम और कम होता, लेकिन डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ने से दाम ज्यादा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के विक्रेताओं ने कहा, आलू बिका 900 से लेके 1100 रुपये तक बिका, लेकिन बिक्री कमजोर है। आलू गर्मी की वजह से टेम्परेचर एक बढ़ जाने की वजह से दागी हो रहा है ज़बरदस्त तरीके। प्याज भी जो है नासिक की भी आ गई है, एमपी मध्य प्रदेश की भी प्याज आ गई, तो इसलिए 10 रुपये से लगा के 15 रुपये तक प्याज बिकी है। बिक्री क्या है, ठीक है प्याज भी बिक रहा है, बिक्री मंडी में आलू का रेट इस समय चल रहा है 8 रुपये से लगा के 10 रुपये किलो तक का लाल आलू। सफ़ेद आलू बिक रहा है आपका 10 रुपये से 11 रुपये किलो तक का। प्याज प्याज का रेट बिक रहा है इस समय 12 रुपये से लगा के 16 रुपये किलो तक की। बिक्री को लेके क्या स्थिति है? बिक्री को लेके बिक्री बहुत ही इस समय स्लो चल रही है, बहुत स्लो बिक्री है। रेट और कम होते मगर डीजल पेट्रोल के रेट जिस तरीके से बढ़ गए हैं तो ये प्रभाव पड़े हुए हैं रेट। और आवक भरपूर आ रही है इस समय, तो लगन लगन चल रही है मगर उसमें कोई बिक्री पे खासा असर नहीं पड़ रहा। हमारा नाम मिस्टर, आलू का रेट भाई साहब 6 रुपये से लेके 9.5 रुपये तक बिक रहा है। सफ़ेद या लाल सबका हाल, बहुत इस साल आलू पैदावार ज़्यादा था, आलू ज़्यादा है समझे। प्याज का पोजीशन ये 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक। आलू की बिक्री बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर है। प्याज भी बिक रहे, प्याज तो बिक रही, प्याज इसलिए बिक रहे देहात की जो लगन होता है इसमें आजकल लोग ज़्यादातर मछली उछली खिलवाते हैं, सब्जी उब्जी नहीं उतना प्रयोग करते, बस मछली चल रहा झूम के उन सबका बिक्री होगा। आलू की बहुत डाउन है, बहुत डाउन है बिक्री भाई साहब, आलू की तो बिक्री बहुत ख़राब है, आलू सड़ रहा है मंडियों में, ये हाल है।